So hi guys, everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your Geek Boob, and now guys, I am back with another scary and horror video. So basically, आज मैं आप लोगों के साथ explain करूँगी अपनी एक story जो हमारे साथ incident हुआ था, and वो मेरे साथ नहीं, वो एक शादी वाला घर था और वो सबके साथ हुआ था. So आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसके अंदर उस घर के अंदर जो भी कुछ हुआ हमारे साथ. एंड मुझे ये वीडियो बहुत पहले से बनानी थी, लेकिन मैं उस वापस से इंसिडेंट को मैं तसव्वुर नहीं करना चाह रही थी, वापस से वो सब कुछ दोहराना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई. लेकिन अब मैं आ गई हूँ, सो फाइनली आई एम बैक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइम पर मेरे कज़न की शादी स्टार्ट हो गई थी, एंड उनके घर के अंदर कहीं से भी रूम अरेंज नहीं हो रहा था और शादी बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी, तो उससे हम लोग घर भी नहीं बनवा सकते थे. एंड हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे रेंट पर रहने के लिए. और जैसे कि शादी मतलब कि बहुत ज़्यादा करीब थी और मेहंदी वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग मेरी फैमिली, मेरी एक और खाले की फैमिली, मेरे बहुत सारे कज़न उन्हीं के घर रुके हुए थे. और फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी करवा कर उस घर के ऊपर गए जहाँ पर हमें रहना था रेंट पर. एंड हम लोग ने जब घर को देखा तो घर इज़ ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड फिर हम लोगों ने फर्स्ट डे जो हमारा था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग, हम लोगों ने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नोटिस नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग के ऊपर हम लोगों ने काम करा. एंड सेकंड डे भी हमारा ऐसे ही गया. सो सेकंड डे भी हमारा सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग के अंदर गया, हम लोगों ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा, क्योंकि सर सी बात है यार, शादी बहुत ज़्यादा करीब थी. एंड थर्ड डे के अंदर हम लोगों ने अपने सारे बाहर के काम करे, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह लाना और जो छोटी मोटी जो हमारी ज्वेलरी रह गई थी वो लेकर आना. एंड लेकिन थर्ड डे की नाइट पर हम लोगों के साथ फर्स्ट इंसिडेंट हुआ और वो आप सुनकर क्रिंज फील करेंगे, लेकिन आई एम नॉट लाइंग, दिस इज़ अ रियल स्टोरी जो मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हुई. सो उस टाइम पर हुआ ये कि शादी वाला घर था तो 3-4 बजे तक आराम से सब सोए, और ड्राइंग रूम के अंदर कोई भी नहीं था. ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, ना कोई सो रहा था, ना कोई जाग रहा था, ना कोई बैठा हुआ था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था ड्राइंग रूम. एंड ड्राइंग रूम से रात के 4 बजे आई 3-4 लोगों की चीखने की आवाज़. आई एम नॉट लाइंग, लिटरली ये जब हुआ तो उससे मेरी कज़न, मेरी खाला वगैरह की आँख खुली. एंड वो लोग ऐसे मतलब कि वो लोग बहुत शॉक्ड हुई मेरी, एंड उन लोगों की बातों से हम लोगों की आँख खुली. एंड हमने जब उनकी शक्लें देखी तो हम लोग हैरान हुए कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि उनके साथ कुछ हुआ. और उन लोगों ने जब सपोर्ट कर हम लोगों के साथ शेयर करी वो रात वाली बात, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये सब क्या हुआ. और उस टाइम पर मेरा भाई आया जिसकी शादी थी, और उसने बोला कि यहाँ पर पठान वगैरह रहते हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को मतलब कि मारा वगैरह होगा, तो इसलिए मतलब कि आवाज़ें आई होंगी तुम लोगों को चीखें पुकारों की, तो इसलिए तुम लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो. और चौथे दिन हमारे यहाँ फाइनली शादी थी, एंड हम लोगों ने शादी के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय करा. एंड माशाल्लाह इस बात को, और उनकी शादी को 2 साल हो गए, एंड अब उनके एक बेटा है और अभी रिसेंटली उनकी बेटी हुई है, सो मैं पप्पा बन गई हूँ. सो हम लोगों ने इस बात के अंदर बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं करा और हम लोगों ने इग्नोर करा. और जब हमारी भाभी आई तो उनको भी ना मींस थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ ना इस घर के अंदर. अब यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था हम लोगों ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उनको. हमने उनको कुछ भी नहीं बताया. एंड हमने एक और बात नोटिस करी कि जो मकान मालिक हैं वो अपने बेटे के साथ नीचे आते, अपने घर के काम करके वापस चले जाते, पर उनको हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम उनके घर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और वेल होना भी नहीं चाहिए था इंटरेस्ट. और फिर एक दिन उनकी वाइफ नीचे आई है काम से, और उन्होंने हमने उनको बोला कि आप इधर आए, हमें ना आपसे बात करनी है. उन्होंने इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. हमने जब उनको थोड़ा सा और बोला कि आप आगे आए, हमें आपसे फेस टू फेस बात करनी है, वो सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, उन्होंने आंसर दिया कि आप यहीं से बात कर लें. अब उनके आंसर सुनकर हम लोग तो शॉक हुए, और फिर हम लोगों ने बात करा, लेकिन हमने उनको फोर्स करा कि आप आगे आए, हमसे फेस टू फेस बात करें. अब वो आगे आई, लेकिन उन्होंने हमारी घर की दहलीज को पार नहीं करा, उनके उन्होंने नहीं करा, उनको टच भी नहीं करा हमारे घर की दहलीज को. अब ये चीज़ को देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए कि ऐसा क्या हुआ है. एंड मेरी मॉम ने तो छुट्टे उनके जाने के बाद ये बोला कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो है. अब ये बात सुनकर मेरी खाला और मेरी कज़न वापस ऊपर गई, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, और मतलब मीन्स क्या असरात वगैरह हैं. तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी तो बेटियाँ जब उनके एग्जाम्स होते थे तो वो 3-4 बजे तक ना नीचे, जो जिस घर के अंदर हम थे नीचे, जो है ना वहाँ ना जाकर पढ़कर ना आराम 3-4 बजे तक ना पढ़ाई करती थी बैठकर. अब उनकी ये बात को सुनकर हमने कहा कि शायद कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है. सो हमने इस बात को इग्नोर कर दिया. एंड जहाँ मेरी खाला रहती थी, जो उनका अपना घर था उस टाइम उस जगह पर, हमने एक पेट पाला होता है डॉग, उसका नाम है टेडी. एंड उसकी देखभाल के लिए, जिसकी शादी थी उसका दूसरा वाला भाई वहाँ पर रुका हुआ था, उसकी देखभाल और उसके खाने वगैरह के लिए. एंड वो हमसे मिलने आया, एंड हम लोगों ने उसको सारी चीज़ें बताएंगे जो भी हमारे साथ हुआ और उनका रिएक्शन जो सब कुछ है. सो उसने बोला कि
तुम लोग इग्नोर करो, तुम लोग यहाँ रहने आया सो रहो, तुम लोगों को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी बोला हाँ ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी बहन जो थी, उसकी बहन ने बोला देखो मेरा दिल्ली मान रहा है, तुम ना मुझे अपने साथ ले जाओ एंड अपनी फिर जो बाइक है उसके ऊपर मुझे सुबह मेहमान छोड़ देना। सॉरी मैंने रिवील कर दिया मैं कहाँ रहती थी। एनीवेज उसने बोला कि छोड़ देना मुझे। अब उसके भाई ने बोला नहीं मैं अकेले ही चले जाऊंगा, तुम यहीं बैठो। और फिर उसके भाई ने बात नहीं मानी, मीन्स मेरे कज़न ने बात नहीं मानी और उस अपनी बहन को नहीं लेकर गया। उसके वो निकला था तकरीबन 11-12 बजे एंड हम लोगों ने उसकी नफील मांग ली थी कि वो आराम से पहुंचे, क्योंकि हाईवे था और हाईवे तो आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा होता है और उसके अंदर आराम से बिल्कुल हल्के हल्के मतलब ये सब कुछ सही करके गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो निकला उसके 10 मिनट बाद, लिटरली 10 मिनट बाद हमारे पास मैसेज आया और उसने बोला कि मैं घर पहुंच गया हूं। ये बात सुनकर हम लोग इतना शॉक्ड हुए। हम लोगों ने कहा उसकी बहन ने तो फौरन से कॉल करी, उसने बोला क्या तुम कैसे पहुंचे घर इतनी जल्दी, घर तुम कैसे पहुंच गए, ऐसे क्या करा तुमने, हवाई जहाज दौड़ाए। उसने बोला उसने जो मैसेज भेजा ना, फिर हमें तो यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। उसने भेजा कि मेरे अलावा मेरी गाड़ी के अंदर कोई और भी था। अब ये बात सुनकर हम लोग तो शॉक्ड हुए कि मीन्स वो अपनी बहन को भी नहीं लेकर गया, वो अकेले गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मीन्स वो उसने बोला कि मुझे फील हो रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। अब हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए एंड हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एंड इस दिन के 2-3 दिन बैक चलते हैं, ये जो दिन हुआ गाड़ी वाला जो मेरे भाई आया हमसे मिलने के लिए, इस दिन के 2-3 दिन बैक चलते हैं कि हम लोगों की हालत जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फील होने लग गई थी हम लोगों को, कि हम लोगों को साफ फील होता था कि किचन और वॉशरूम का जो नल है वो खुद ब खुद खुलता है और खुद ब खुद मीन्स उसके अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है। अब जैसे ही हम लोग देखने जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब बंद होता है आराम से, सारी चीज़ें नॉर्मल होती है सब कुछ। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड हम लोगों को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड जब मेरे कज़न की मैसेज आया उसके बाद से हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि हम लोग वॉशरूम भी अकेले नहीं जा रहे थे, हम लोग 3-4 बंदे घर पर वॉशरूम जा रहे थे कि एक वॉशरूम के अंदर होता था, 2 बाहर खड़े हुए होते। हम लोगों की ऐसी हालत हो गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थे कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उस रात पर जो उसने मैसेज भेजा था और जिस रात वो हमसे मिलने आया था, उस रात पर हम लोग सोए भी नहीं थे। लिटरली हम लोग 12 बजे से लेकर तकरीबन 6 घंटे जागी, 6 घंटे जाकर सिरिवर से हमने बैठ कर हम लोगों ने आयत लगाई हुई थी अपने मोबाइल के अंदर और पूरे 6 घंटे वो आयत चली है, पूरे 6 घंटे वो खत्म हो रही थी हम बार बार लगा रहे थे, वो 6 घंटे आयत चली है। और उसके बाद जब सुबह हुई है तो हमने अपनी भाभी को बोला कि हम घर चेंज कर रहे हैं। अब भाभी शॉक के फैमिली और क्या मतलब ये सब क्यों हो रहा है, तो हमने सब कुछ बता दिया भाभी को। और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए और हम लोगों ने उनसे, जो हमारे मकान मालिक थे वो ऊपर रहते थे और हम लोग नीचे रहते थे, और हम लोग ऊपर गए, हम लोगों ने उनसे बोला कि हम घर चेंज कर रहे हैं, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, हम आपके घर में नहीं रह रहे। उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, हम उनको बोल रहे हैं ठीक है सही है आपकी मर्जी, पूछो तो रीजन, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और हम लोगों ने लिटरली 2 घंटे के अंदर पूरे घर की पैकिंग करी, बस हमारा फर्नीचर रह गया था जो बड़ी गाड़ी से लोड होकर आना था, और हम लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर सामान घुसेड़ा और हम लोग निकले। और हम लोग उस घर से निकलने के बाद इतना ज्यादा मतलब कि सुकून फील कर रहे थे कि हम लोग एक जेल से निकल कर आ गए। जब मेरे बाबा को एक बात पता चली तो मेरे बाबा ने बोला तुम लोग क्या करो उस घर के अंदर, तुम लोग फटाफट से निकल कर आओ। फाइनली ये स्टोरी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है एंड मुझे गूज बम्स आ, मैं अपने रूम के अंदर अकेले बैठी नहीं हूँ और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, आपने इतना टाइम मेरी बकवास सुनी।